हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। ये देखिए, हमने कॉलीफ्लावर लिया है, उसको अच्छे से उनके फ्लोरेट्स को काट के धो लिया है और फिर उसको मैंने ग्रेट कर लिया, थोड़ा पानी सुखाने के बाद, है ना, ऐसे ग्रेट कर लिया है। तो ये कैसे लग रहे हैं? राइस जैसे लंबा लंबा ग्रेट किया है, तो ये राइस जैसा लग रहा है। तो आज हम बनाने वाले हैं कॉलीफ्लावर राइस। तो सबसे पहले पैन में हमने थोड़ा सा डाला है ऑलिव ऑयल, आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा डालेंगे इसमें जीरा, 1/4 टीस्पून के करीब, क्योंकि हम जीरा कॉलीफ्लावर राइस बनाने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही जीरा थोड़ा सा तड़केगा, हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड कॉलीफ्लावर। गैस को धीमा रखेंगे और ये मैंने ना 1 कप के करीब लिया है, छोटा फूल था गोभी का, तो 1 कप ले लिया है। और इसको हल्के से हम मिक्स करेंगे, खुला ही पकाएंगे हम इसको, बहुत जल्दी से ये पक जाता है। और ये ना लो कार्ब डाइट है, मतलब जिनको कार्ब्स ज़्यादा नहीं खाना है ना, उनके लिए ये अच्छा है। जैसे जो डायबिटिक हैं, चावल खाना चाहते हैं, तो एक ये मन समझाने वाली बात होती है ना, तो वो ऐसे कॉलीफ्लावर ग्रेट करके ले सकते हैं, राइस की तरह बना सकते हैं। बिल्कुल मैश नहीं करना है इसको, हल्का हल्का ऐसे खुला ही पकाना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, पिंक हिमालयन सॉल्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, नमक स्वाद के अनुसार, और हल्दी मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें। और बस हल्का सा पक जाए, इतना क्विक है ये, इतना जल्दी बन जाता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। ये देखिए, और आप लाइक नहीं करते हैं, आप वीडियो देखते हैं, अगर लाइक करेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा और नई नई रेसिपी लेके आने का। मैंने थोड़ा सा खा के देखा है और यकीन मानिए बहुत अच्छा है, पक गया है बिल्कुल। मैं कह रही हूँ मैश नहीं करना है, ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा कटा धनिया। तो ये जीरा धनिया वाले राइस बन गए हैं। तो जो जिनको डायबिटीज़ है और राइस नहीं खा सकते, आप उनको इस तरह से राइस बना के दीजिए, ये अपने आप में एक डिश है, आप खाएंगे ना तो आपको अच्छी लगेगी। तो करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये देखिए, हमारे यमी से लगने वाले ये राइस बनकर तैयार हैं। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी, बहुत ही अमेजिंग है, जरूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप यूं ही बना के खा सकते हैं, आप दही के रायते के साथ खा सकते हैं, कोई दाल के साथ खा सकते हैं, एंड यू विल एंजॉय इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।